आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, मंदिर और शिवालय, आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, मंदिर और शिवालय, ताला नहीं है उनके। सच बताऊं चाबी नहीं है, चाबी गुम गई, ताला भी नहीं। जय हो, यही मेरे भारत की विशेषता है, यही मेरे भारत की, ये जो संबंध की धार है ये विदेशों में नहीं मिलती, माना वहां हमारी संस्कृति है, ये हमारा गौरव है, ये माटी। जहां देखो बेटा गली का बुजुर्ग आता हो, मेरी बहुएं मेरी बच्चियां खटाक से चुन्नी सिर पे आ जाती है, आती कि नहीं आती? गली का बूढ़ा और सिर तुम्हारा ढक जाए, बस इतनी कृपा कर दिया करो, ये सिर नहीं ढका, ये बूढ़े का पगड़ी ऊंची हो गई, उस बूढ़े की पगड़ी ऊंची हो गई, आपका सिर ढकना उसकी शान, उसको एहसास हुआ है ये मेरे गली का है, मेरी परिवार है, ये मेरी बहू है, उसकी उसकी आपने 6 महीने आयु बढ़ा दी, एक चुन्नी ढक के। यही संस्कृति है मेरे भारत की, यही गौरवशाली परंपरा है। मां मिली है सती मां से, बड़ा विचित्र, और कोई बोल नहीं रहा, दक्ष के भय से कोई कोई दुआ सलाम भी नहीं हो रही, और जब भीतर गई तो शिव की बात याद आई, सब देवताओं का स्थान लेकिन विष्णु और शिव का कोई स्थान नहीं। तब चित चढ़े जो शंकर कहो, तब चित में आया, अरे भगवान शिव ने सही कहा था, जहां अपनों का अपमान हो वहां नहीं जाना चाहिए। तब सारी सभा को हटक करके बोली है, सुनो सभा सद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, अरे शंकर की निंदा करने वालों, मेरे भोले भाले महादेव तुम्हारा क्या बिगाड़ते हैं, तुम्हें किसने कहा मेरे पति का अपमान करने की जरूरत किसकी पड़ी, खबरदार। शिव के गणों ने तैयार खड़े थे और माता सती उस यज्ञ कुंड में अपने आप को जला करके दग्ध कर दिया। ये शरीर दक्ष के कारण से है, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति वाले की पुत्री कहलाने से अच्छा है मैं जल करके मर जाऊं। हाहाकार मच गया, शिव के गणों ने मार काट मचानी शुरू कर दी, सबको दंड देने लगे। तब भृगु ऋषि ने कृपा प्रकट की है और उसने शिव के गणों को पीट पीट करके भगाया। भगवान शंकर ने भी अपनी जटाओं में से बाल उखाड़ा, दूसरे शिव के रूप में सामने प्रकट हुए हैं वीरभद्र, और जा करके सबको दंड दिया और दक्ष प्रजापति का सिर पकड़ा महाराज, शूल से छेदन किया और जलते हुए कुंड में स्वाहा हाहाकार। अरे प्रजापति मारा गया, प्रजापति मारा गया, प्रजापति मारा गया, प्रजापति के बिना प्रजा बिल्कुल क्या करेगी, उदंड हो जाएगी। सब मिलकर के महादेव के पास गए, महादेव की स्तुति की, मनाया महादेव को, भगवान शंकर को दया भी जल्दी, भोलेनाथ चलो जो हुआ सो हुआ, अच्छा लाओ प्रजापति को जीवन देते हैं, लाओ इसका शीश लाओ। वीरभद्र नीचे झुके, बोले शीश कहां से लाऊं, शीश तो स्वाहा। खैर बकरे का सिर काटा गया, प्रजापति को लगाया गया, क्योंकि नंदी का शाप भी फलीभूत करना था। अब बकरा स्तुति करता है, अब है तो प्रजापति ब्रह्मा का मानस पुत्र, अंदर तो चारों वेद चलते हैं। क्या हो गया, जय हो, बराती बन के आयो, कहा लेके जा रहे हो? अच्छा मेरा कमरा ऊपर है, पंडित जी भी भाई बड़ी कृपा है ठाकुर जी की,
मेरे को तो इतना अच्छे लगे ना, इतने बढ़िया हृदय मिल गया हमारा। सही बताऊं ये आपके ये इसी संस्था की ये निष्काम बालाजी की कृपा हुई है, हमारा संबंध बना है। कई कथाओं में मैंने इनको बुलाया और बड़े सात्विक कर्मकांड के बड़े ज्ञाता हैं। भगवान इसी तरह प्रेम बनाए रखे, ठाकुर जी कृपा करे रखे। दक्ष प्रजापति स्तुति करना चाहता है पर मुंह से बकरा क्या बोले, दो ही अक्षर निकले, बम 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 बम। अरे वाह रे भोलेनाथ। अब अच्छा बम बम का कोई अर्थ होता है, कोई मतलब है इसका? लेकिन बकरा क्या बोले, इसके अलावा बोले भी तो क्या बोले? जैसे तोतरा बच्चा नहीं होता, तोतरा घर में अभी बोलना बोलना सीखता होता है, अब वो अपनी तरफ से भाव प्रकट तो करता है और तोतली भाषा, अब वो क्या बोलता है उसकी माँ ही जानती है वो क्या बोलता है। अब दक्ष बोल रहा है और शिव समझ रहे हैं भीतर तो चारों वेद है, ये वेद भगवान की स्तुति मेरे लिए कर रहा है, लेकिन अब बाहर बेचारा मजबूर है। बम 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 के नाम भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, बोले जा दक्ष तू भी क्या याद रखेगा मेरे शिवालय में, मेरे शिवालय में किसी को कोई मंत्र ना आए, अगर तेरे बोले हुए दो शब्द जल चढ़ाते हुए बम बम कह देगा मैं समझ जाऊंगा कि इसने चारों वेदों की स्तुति कर दी। जय हो। तो ऐसा भोला कोई होगा हमारा, इतना सीधा बम बम कहो राजी हो जाए। उधर सती माता, क्योंकि जन मरत मरत भगवान से वरदान मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा और जनम जनम शिव पद अनुराग। मैं जहां भी जन्मू मेरा मन शिव चरणों में लगा रहे, और इसलिए वो हिमाचल के यहाँ प्रकट हुई, पर्वत से पैदा हुई इसलिए नाम पड़ा पर्वत की पुत्री पार्वती। अब जहां माता जी आई हो, जगदम्बा आई हो, वहां तो देखो अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभ है, हम मंत्र बोलते हैं हम लोग तो सर्व मंगल मांगल्य या श्री स्वयं सुकृति नाम भुवनेश्वर लक्ष्मी या देवी सर्वभूतेश, कितने मंत्र महामाई के, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि, माँ के कितने अनन्य मंत्र है, जिनका कोई सीमा ही नहीं। श्री सूक्त पढ़िए, लक्ष्मी सूक्त पढ़िए, गौरी सूक्त पढ़िए महाराज। वहां जहाँ पार्वती मैया प्रकृति भवानी प्रकृति है, वहां की सुख सुविधा ऐश्वर्य साथ में रिद्धि सिद्धि तो बोनस में आ जाती है माँ प्रकृति। हिमाचल बड़ा प्रसन्न एक दिन आ गए महाराज श्रीमन नारायण। अच्छा देखो कईयों के ना नाम से जुड़ जाते हैं, नारायण कहते ही नारद बाबा आ जाते हैं बुद्धि में, नारायण नारायण। अच्छा देखो नारायण तो भगवान का नाम है पर दो बार कहो नारायण। अच्छा नारायण तो याद ना आए के आए नारद जरूर याद आ जाते हैं। नार कहते पानी को, नार मैंने पानी समुद्र नार, अयन कहते हैं घर को, रामायण रामायण राम का घर, और नारायण का घर है नार अयन, जिसका पानी में घर हो क्षीर समुद्र में उसका नाम है नारायण। लेकिन नारद जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती उसका नाम है नारद जी महाराज। इसकी बात कभी रद्द नहीं होती, जो कह दिया सो फाइनल है महाराज, फाइनल डिसीजन। नारायण नारायण। अरे आज तो बड़ा चरण धोए हिमाचल ने। अच्छा हिमाचल किसको कहते हैं? मैं बार बार सूत्र दे रहा हूँ कथाओं का, हिमाचल क्या है? हिमाचल का अर्थ कथा में हिमाचल बाबा हैं, उनकी धर्मपत्नी मैना जी हैं, उनकी बेटी है पार्वती। पार्वती कहाँ आएगी? पार्वती कहाँ प्रकट होगी? माँ कहाँ आएगी? देवियाँ कहाँ आती हैं? हिमाचल मैंने है अटल, हिमाचल मैंने अडिग अटल अचल। और घरवाली का क्या नाम है बोलो? मैना। बोलो क्या? मैना। इसका क्या अर्थ है? तुम्हारा हृदय की ये स्थिति आ जाए कि वो अपने धर्म से डिगे नहीं, हिमाचल की तरह अटल हो जाए, लेकिन अटल होने के बाद भी अंदर से आवाज आए मैना, मैं नहीं हूं कुछ भी,
दो भाव जिसके हृदय में आएंगे अपने भजन में अटल रहे और अहंकार होना मैं नहीं मैं ना उसके घर में अंबा पार्वती प्रकट होती है महाराज, उसके घर में माँ आती है। जो मैं करता रहता वहां माँ नहीं आती, वो मैना है वो हिमाचल है। नारद जी ने वो पार्वती जी का हाथ देखा और हाथ देख करके हिमाचल से कहते हैं वाह वाह सारे संसार में तुम्हारी पुत्री की पूजा होगी। अरे हो रही है, माँ की तो पूजा होती है। लोग इनका नाम लेके व्रत करेंगे, पतिव्रत धर्म का पालन करेंगे। बोले महाराज पर सारे गुण ही गुण है, कोई अवगुण है नहीं। बोले एक है ना, वो एक सब पे सिर मोर है। बोले क्या? बोले इसका जो दूल्हा आएगा ना वो बड़ा जोरदार होगा। बोले कैसे? बोले बिना खानदान का, अकुल कुल वाला नहीं। अच्छा जी, पहले क्या देखते हैं घर सब? पहले क्या देखते हैं? छोरी का रिश्ता करना हो पहले क्या देखते हैं? खानदान क्या हो जाए? यहाँ खानदान ही नहीं है। देख लो छोरा, अकुल। और बोले अमान। दूसरा हम क्या देखते हैं? कोई मान वगैरह है कि नहीं? लेकिन भगवान शंकर क्या? अमान, कोई जो मर्जी कह जाए, शिव पे कोई असर नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी को क्या चढ़ाते हो? क्या चढ़ाते हो? पेड़े, लड्डू, सवामणी है ना। अच्छा राम जी को क्या चढ़ाते हो? सत्तू। कन्हैया को क्या चढ़ाते हो? माखन मिश्री। माता रानी को हलवा, चने। भोलेनाथ को दतूरा, भंग। क्यों? बाबे नु खीर खानी नहीं आती? चकाचक खीर बनाया करो, डोलू लोटा भर के लाके और सोमवार को शिव पे खीर चढ़ाओ, देखो जीवन में परिवर्तन आता है। भांग के पत्ते लेके आ जाते हो और ये अच्छा अच्छा बाकी तो छोड़ो, परे मिर्चे और नींबू भी चढ़ाते हो। बीच में रात को ज्यादा पी ली थी, नशा उतारना, भांग ज्यादा घोट के पी ली, अब सवेरे नशा उतारना, नींबू मिर्च। अच्छा एक दो जगह मैंने देखा टमाटर, हाँ टमाटर तर ककड़ी भी जैसे तड़का लड़ा हो। अरे क्या 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 करते हो आप लोग? देखो समझो जरा, समझो। इधर तो चकाचक मैया। अच्छा माता बड़े आनंद लेती होगी। बोले भोलेनाथ, बोले हाँ होरबे जो कर ले, देखो मेरे को हलवा छोले है? है? मेरे पास प्रसाद देखो और तुम्हारे जरा देखो, मैचिंग करो जरा। लेकिन वारे भोलेनाथ, बोले मैं इसीलिए अलग बैठा हूँ। बोले क्यों? बोले माल माल तुम्हारा और जिसको कोई ना ले वो हमारा, जिसको कोई ना ले, जिसको कोई ना स्वीकार करे वो हमारा, वो हमारा। यही इसीलिए महादेव है, इसीलिए महादेव और सब देव और हमारे भोले बाबा महादेव। अगुन अमान मात पितु हीना। माता पिता होंगे नहीं ऐसा पति मिलेगा। मैना जी ने हिमाचल को बुलाया साइड में जाके, उरे आओ। ये माताओं को ज्यादा फिक्र हो जाता है। बोले नारद बाबा की भाषा समझ में नहीं आ रही मेरे को, क्या कह रहे हैं? बोले ये जो कह रहे हैं ना ये पत्थर पे लकीर है, ऐसा ही मिलेगा। नारद का कहने का मतलब जो है वो फाइनल है, ऐसा ही मिलेगा पति हमारी छोरी को, लड़की को। मैना बोली मैं पर्वत से लेके कूद जाऊंगी, जल में डूब जाऊंगी, मरना मंजूर, पर मैं एहो जिदे नाल ब्याह नहीं कर। नारद जी कहने लगे एक उपाय बताऊं। अच्छा समाधान तो हर चीज का होता है ना, कोई हर चीज हर समस्या बनी है तो समाधान भी है। नारद बाबा कहने लगे परेशान हो गए तुम? बोले परेशान, एक छोरी हुई है उसका भी ब्याह ऐसे के साथ होगा? नारद बाबा बोले एक एक तरीका तो है, अगर हो जाए तो। बोले क्या हो जाए? बोले जितने मैंने ये दोष बताए हैं ये सारे के सारे भगवान शंकर में, और एक बात सुनो हिमाचल, जो भी बाहु शंकर सन होई, अगर विवाह शंकर के साथ हो जाता है
तो तुम्हारे ये अवगुण भी गुण बन जाएंगे, गुण बन जाएंगे, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। ये तीन उदाहरण दिए हैं, रवि मैंने सूर्य, पावक मैंने अग्नि, सुरसरी मैंने गंगा। बोले ये तीनों समर्थ हैं, इसलिए इनको कोई दोष नहीं देता। गंगा में झरनों का, वनस्पतियों का चूर्ण, बढ़िया बढ़िया पानी भी आता है, लेकिन मुर्दों की हड्डियां भी गंगा में प्रवाहित होती हैं। गंदे गंदे नाले भी, फैक्ट्रियों का मल भी उनके अंदर पड़ता है, पर वह गंगा क्योंकि समर्थ है उनको पचाने में, आज भी गंगा जल 20-20 साल खराब नहीं होता। इसीलिए समर्थ को नहीं दोष गुसाई। अच्छा, अग्नि में रोटी भी बनती है और मुर्दा भी, लेकिन वो अपवित्र नहीं होती। सूर्य गंगा जल को भी सोखता है और धरती पर पड़े हुए मलमूत्र विष्ठा के रस को भी, क्यों महाराज, सोखता है, लेकिन सूर्य कभी अपवित्र नहीं होते, क्योंकि समर्थवान है। वो शोषित जल उड़ तो गया, लेकिन सूर्य के पास पहुंचने से पहले उसका पता ही नहीं लगता वो कहां गया, अपनी गर्मी से जला देते हैं। ये भगवान भुवन भास्कर है। इसलिए शिव से तुम्हारी पुत्री का अगर विवाह हो जाए तो सारे अवगुण गुण बन जाएंगे। लेकिन एक बात सुनो हिमाचल, ब्याह ऐसे साधारण तरीके से नहीं होगा, उसके लिए शिव को प्राप्त करने के लिए शिव को ही तप करना पड़ेगा। एक कल सोमवार है, लोटा लेके ओम नमः शिवाय राजी हो जाए, एड्डी जल्दी नहीं होता। हाँ, इतनी जल्दी नहीं होता है। दुराराध्य दुराराध्य राजी हो जाए तो एक क्षण में हो जाए, और जे अड़ गए तो अड़ गए, अगड़ बम है फिर महाराज, अड़ गए तो अड़ गए। तप करे, और तप करने के लिए उमा चली है, छोटी अवस्था है, और पार्वती जी नारद जी का उपदेश सुन करके कहानी बनाती है कि रात को मुझको सपना आया, माँ एक ब्राह्मण कहता है तप करो, अब मैं तप के लिए जा रही हूँ, मैं शिव के लिए। देखो एक बात, इस चौपाई में बड़ा आनंद है, अब सुनना जरा। पार्वती माता तप करने के लिए गई है, बचपन है, छोटी अवस्था है, और तप भी कैसा भीषण किया है। उरधरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। वन में जाकर के तप करने लगी, सम्मत सहस मूल फल खाए और साग खाए सत बरस गवा। 1000 साल तक कंद मूल फल खाए और 100 वर्ष तक केवल शाक खाया, हरी सब्जी पत्ते पालक, और फिर कुछ दिन हवा का भोजन, पानी का भोजन किया। ऐसा भीषण तप किया और 3000 वर्ष तक सूखे बेलपत्र जो पृथ्वी पर गिर जाए केवल वो खाए। तुलना करो हमारे व्रत की, अपने भी व्रत करते हैं, सवेरे पकोड़े बनाने लगते हैं, सवेरे बनने शुरू होते पकोड़े, और रात को सोने तक अजता व्रत है। अच्छा, सारे गली में ढिंढोरा, अजता व्रत है, आज तक मेरा व्रत है। अगला बेचारा किसी घर जाओ, नहीं नहीं आज मेरा व्रत है, वो बेचारा फंसा हुआ, पहले तो चाय बिस्कुट से चल जाता, अब व्रत कह दिया, वो बर्फी लेने जाएगा बंसल साहब से, बोले पहले एक डब्बा लेके आओ व्रत करता है। कितने हजार साल तप किया महाराज, और भगवान सच्चिदानंद परमात्मा की दिव्य वाणी हुई है कि सप्तऋषि तप तुम्हें मिले तो हे पार्वती, ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया। मैं परब्रह्म परमात्मा, मैं राम इस तप को फलीभूत करता हूं, और जाओ देवी सप्तऋषि जब तुम्हें मिले तब हमारी वाणी को सत्य समझना, पिता बुलाने आए तब चली जाना। ऐसा कहकर के ब्रह्म की वाणी अंतर ध्यान हुई,
सप्तऋषि भेजे गए, सप्तऋषियों ने आके मूर्ति मंत गौरी माँ को देखा है। अब वहां कुछ चूहलबाजी हुई, लेकिन ये चौपाई मेरे को बहुत मजबूत कर देती है, आप ही मजबूत हो जाएंगे ये चौपाई सुनकर। सप्तऋषि आकर के कहते हैं, देखो जब जब तुम साधना में उतरोगे तो विघ्न जरूर आएंगे। कोई भी व्यक्ति जब साधना में उतरता है तो दो विघ्न आते हैं, दो विघ्न आते आते पक्का आएंगे, पक्का। एक आएगा भय डर और एक आएगा लालच लोभ। ये दो विघ्न पैदा करते हैं देवता लोग। पहले तो उसको भय, डराते हैं कि तू साधना ना कर, डरता डर लगता है। और अगर उससे निकल जाए तो फिर लोभ। अब आकर के डराए, अब डरने वाली अवस्था तो रही नहीं, तप हो गया, लेकिन अब लोभ दिया कि तुम किसके लिए तप कर रही हो। बोले शिव के लिए। बोले उसके लिए, वो पहले अपनी घरवाली को छोड़ दिया, त्याग दिया, एक जरा सी बात पे गुस्सा होकर त्याग दिया। वहां जाकर के क्या करोगी? लेकिन पार्वती माता की एक बात पक्की कर लो देवियों, अपने इष्ट के साथ इतना जुड़ जाओ, इतना जुड़ जाओ कि कोई कुछ भी कहे। पार्वती जी ने एक बात बड़ी कमाल की कही है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, परो शंभु नत रहो कुमार। एक जन्म की बात करते हो महाराज, मैं बार बार जन्मूं, बार बार मरूं, करोड़ों जन्म ले लूं, लेकिन मेरी रगड़, मेरी जिद यही रहेगी, मेरी हट यही रहेगी कि अगर विवाह करना है तो शिव से करना है, अन्यथा कुमारा ही मर जाना मंजूर है महाराज। जन्म कोटि लग। साधना करो तो इतनी जिद से करो, इतनी जिद। एक इष्ट के अलावा कुछ हो नहीं। ये नहीं कि इष्ट हमारे कौन है? बोले हनुमान जी। बोले ओथे गई सी, ओथे भी चादर चढ़ा के आए हैं, ओथे भी पता से बोले हैं। एक साध है सब सद है, जन्म कोट लग रगर हमारी, ए मीरा की तरह से मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो। दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए भक्ति में, साधना में ऑप्शन नहीं चलता, एक ही, एक ही। गोस्वामी गोसाई बाबा लिखते हैं दोहा, एक विश्वास रखो, एक विश्वास। कहने को तो बड़ा कुछ दिल करता है महाराज, जब नया नया ब्याह होता है। देखो बाद में तो चलो जो खुल जाते हैं, नई नई शादी होती तो नई बहू सबसे घूंघट निकालते हैं, एक बार तो सबसे निकाल। लेकिन जब अपने निजी कमरे में होती है पति के साथ, तब तब हां जी घूंघट होता है। समझो बेटा इस बात को, समझे, मजाक के लिए नहीं है, इसकी गंभीरता को समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे पति के ऊपर पूर्ण अधिकार समझती है और वहां कोई घूंघट नहीं हो। अच्छा एक और है, एकांत कमरे में पति पत्नी हो, इतने में बाहर से आवाज आए, बेटा एक मिनट दरवाजा खोलो मैं आया हूं, फटाक से फिर घूंघट हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन वो गया, दरवाजा बंद, फिर घूंघट। भगवान से भक्त का यही संबंध रहे, घूंघट के पट खोल रही तुझे पिया मिलेगी। ये पिया तब मिलेगा जब ये माया का वासना का घूंघट हट जाएगा। जब तक वासनात्मक घूंघट नहीं हटता, माया का घूंघट नहीं हटता, तब तक जीव को प्रीतम के दर्शन नहीं होते, दर्शन नहीं होते। इसीलिए एक, इसीलिए बार बार कहा जाता है, क्यों भीम जी? यही बात है, यही एक को साधो, एक को साधो, एक भरोसो, एक मत, एक एक भरोसा हो जाए। आस एक राम जी से, बाकी आस छोड़ दे, नाता एक राम जी से। जन्म कोट लग रगर हमारी, बरऊ शंभु नत रहऊ कुमारी। अगर विवाह करना तो शिव से करना है। चरणों में गिर गए सप्तऋषि, जगदम्बा तेरी सदाई जय हो, हम तो परीक्षा लेने आए थे। सप्तऋषि गए उधर, उन्हीं दिनों में एक राक्षस पैदा हुआ है, नाम है तारकासुर। तारक असुर भय उतहि काला, और उसने सब इंद्र इत्यादि को जीत लिया, सबको जीत लिया है, और जीत के स्वर्ग पे कब्जा कर लिया। इंद्र बेचारे परेशान हो गए, आज 15-20 मिनट की छूट मिल गई, परेशान हो गए,
और तब सब ब्रह्मा जी की शरण में गए, जा करके कहने लगे जय हो। ओ गणेश के बापू जय हो, भांगोटी जय हो। ये तो प्रेम की बात है। देखो भाई जरा सुनो ध्यान से, कहां था मैं, क्या कह रहा था? चुप, ओ मेरे को देख रहे हैं, तुसी दसो। तारकासुर पैदा हुआ, ब्रह्मा के पास गए, ये कैसे मरेगा? बोले भगवान शंकर के अंश से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके हाथ से मृत्यु। बोले भगवान शंकर के अंश से पुत्र तो होगा जो घरवाली होगी, वो तो ध्यान में बैठे हैं समाधि में। बोले समाधि खुलाओ भाई, बोले समाधि खुलाओ। बोले हाँ, बोले समाधि, समाधि कौन खोलेगा, समाधि कौन खोलेगा? अब देवताओं के पास क्या सामान है समाधि खुलाने का? हाँ एक बुलडोजर ही है, सारे महल ढा देता वो। कामदेव को बुलाया। अच्छा काम को पता है कि मेरी मृत्यु है? काम को पता मेरी मृत्यु निश्चित। शिव का और काम का कोई मेल नहीं है। अच्छा काम का अर्थ केवल स्त्री शरीरों के प्रयोजन से लेना देना नहीं है कि काम का हमने सिर्फ एक ही अर्थ लगा लिया? काम का अर्थ है अपने मन की कामनाओं की पूर्ति, बस। काम का अर्थ है सारी वासनाओं की, वासना केवल एक नहीं है। हमारे मन को तो वासना की बहुत गंदी आदत पड़ी हुई है हमारा। अच्छा उस सुख के उपभोग के बाद भी उसको फिर कुछ चाहिए, फिर कुछ चाहिए। वो जो चाहिए है, वो जो कामनाओं का केंद्र है, उसी का उसी को मारते हैं शिव, उसी पर कब्जा करते हैं शिव। कामदेव को भेजा गया और भगवान शंकर की समाधि खोलने को वो आम के पेड़ पर बैठा महाराज, और ऐसा बाण मारा शिव की समाधि खुली और क्रोध में आकर भगवान शंकर ने तब शिव तीसरा नयन उघारा, तीसरा नेत्र खोल दिया महाराज, और कामदेव जल करके राख का ढेर हो गया, राख का ढेर।